आप लोग बोल दीजिए कौन मारेगा बाजी? तेजस्वी यादव। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही चाहिए। इसका मतलब कि आप दलाल हैं, कमीशन खाते हैं। हर गली में हर घर में दारू पहुंच रहा है। दशहरा में सब गरीब मर गया, क्या सोच रहे? भूखे प्यासे मर नहीं गया जी? 15 साल पहले बिहार में सरकार लालू यादव के था। गरीब को किसने देखा? गरीब को घर घर जाके मकान पानी बिजली किसने पूछा? लालू जी ने पूछा। और ये नीतीश कुमार है, उन लोग से हम लोग बहुत परेशान हैं। जहां तहां पुलिस पकड़ के पैसा लेता है, हम लोग चालक हैं, इसलिए शिकायत है हम लोगों को। आरजेडी के वोट डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। चुनाव का तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तैसे तैसे कि सभी पार्टी अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही है, पूरा दमखम लगा रही है। चुनावी मैदान पर हर नेता उतर आए हैं। पिछले कई दिनों से हमारी नेशनल इंडिया की टीम बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की राय ले रही है, किसकी लहर है। इसी कड़ी में आज हम बिहार के राजधानी पटना में मौजूद हैं, वहाँ के गांधी मैदान पर मौजूद है। हमारे साथ है बहुत सारे ड्राइवर लोग भी मौजूद है, जो प्रशासन की मदद कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने की। चुनाव इलेक्शन में जो भी लोग हैं उनसे जानेंगे कि जनता की क्या राय, उनकी क्या राय है, लहर किधर है। आपका नाम? मनीष कुमार। मनीष, आप ये बताइए कि आप ड्राइवर का काम करते हैं? जी, ड्राइवर हैं। आप अलग अलग हिस्सों में बिहार के जा रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी, कौन मारेगा बाजी? इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी पूरा फुल जी। क्यों? तेजस्वी यादव ही क्यों? नहीं, यादव ही नहीं, मतलब कि उनका हवा बहुत अच्छा है, बेचारा काम करेंगे। और ये नीतीश कुमार है, उन लोग से हम लोग बहुत परेशान हैं। जहां तहां पुलिस पकड़ के पैसा लेता है, हम लोग चालक हैं, इसलिए शिकायत है हम लोगों को। आरजेडी के वोट डालेंगे और तेजस्वी को सरकार बनाएंगे पूरा, मतलब आरजेडी फुल मन बना रहा है। जनता की क्या राय, मतलब आप अलग अलग? जनता की भी राय यही है, आरजेडी की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे? जिसको चाह रहा है उसको। हमको तो लग रहा है कि भाजपा ही का ही बनेगा। अब उनका नेता अगर कोई नया हो तो कोई बात हो, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर हम लोग भी खपा है, उनका काम ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन भाजपा ही जीते, ये तो हम लोगों का भी राय है। भाजपा क्यों? भाजपा तो मजदूरों को छोड़ दिया था जब लॉकडाउन लगा था मरने के लिए, उसी ने पहले संभाला था। छोड़ने की बात तो दूर की बात है कि जिस समय रोका गया उस समय रुके नहीं। ये तो पब्लिक का भी थोड़ा सा है दिक्कत, ठीक है ना। शुरू में उसी ने संभाला, किसी और ने नहीं। जब सब सो रहे थे तभी उसी ने जागा था। मोदी जी कह रहे हैं बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो फ्री में कोरोना देंगे, माफ कीजिए, फ्री में वैक्सीन देंगे। लेकिन उन्होंने सैनिटाइजर मास्क ये सब फ्री में नहीं दिया। वैक्सीन जो अभी तक बनी ही नहीं है, जो बना ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कब बनेगा। तो आपको नहीं लगता कि बस ये चुनावी मंत्र है उनका? चुनावी मंत्र तो भाई सबका ही है, ऐसा नहीं है कि किसको नहीं है, सबका ही मंत्र है, एक अकेले का नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद। आपका नाम? रंजन कुमार। रंजन कुमार, आप बताइए आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, किसकी हवा टाइट है और कौन इस बार गायब हो जाएगा? देखिए, अभी तो बिहार में 2020 जो इलेक्शन होने वाली है, इसमें अभी युवा में तेजस्वी जो हैं आए हैं सामने, तो हम लोग युवा को इस बार देखना, तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं कि हम लोग को युवा को थोड़ा आने वाला बेरोजगारी को दूर करें, इसलिए हम लोग की तरफ से तेजस्वी सरकार के लिए होना निश्चित है कि। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां देने की बात कहीं कहा है, इसलिए आप उनके साथ हैं? नौकरी तो देवे करेंगे, बाद में हो सकता है बेरोजगार के और भी कुछ रोजगार हो, फैक्ट्री वगैरह बिहार में खोलेंगे और उसके बाद हम लोग के बेरोजगारी दूर करेंगे। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, उनसे आप नाखुश क्यों हैं? उनसे वो तो वादा किए थे कि बिहार में कई गो चीनी मिल है जिसको हम चालू करेंगे, अभी तक एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। बिहार में ऐसा ऐसा जो फैक्ट्रियां हैं, वो बोले थे कि हमारा सरकार आएगा तो हम चालू करेंगे, अभी तक एक भी फैक्ट्री मिल चालू नहीं हुआ है। 15 साल पहले भी तो लालू यादव की सरकार थी, उस समय उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? 15 साल पहले सरकार थी लेकिन जनता हावी नहीं था, उतना जानकारी नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे जानकारी हुआ, उस पर हावी सब हो गया है अभी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जयनंदन प्रसाद। जयनंदन, आप कौन से जिला से हैं? पटना जिला से। क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? मारेगा तो अभी बाजी नीतीश तेजस्वी यादव मारेगा बाजी। अच्छा, तेजस्वी यादव की के तरफ से मतलब बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव बाजी मारेंगे, आखिर कौन सी उनकी बात है या कौन से वादे जो आपको लुभा रहा है? देखिए, वो बच्चा आदमी है और उस पर सब लोग पड़े हुए हैं, तो समझिए कैसा ही वो हराए हुए हैं सब लोग। पूरा राजनीतिक पार्टियां फंसाने की कोशिश कर रही है, फंसाने की कोशिश में उसी पर लगा हुआ है और कोई बात नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल बोला कि 9 तारीख को लालू यादव
की रिहाई होगी, 10 को नीतीश की विदाई होगी, क्या हो पाएगा? अब तो देखिए, अब तो समय बताएगा। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार से आप क्यों नाखुश हैं? नाखुश तो इसीलिए कि हम लोग अब गाड़ी घोड़ा सीख है, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने जाते हैं तो कहते हैं आप 40,000 लाओ, 50,000 लगेगा, तो गरीब आदमी लाइसेंस कैसे बनाएगा, कैसे गाड़ी चलाएगा? अच्छा, ऊपरी पैसा मांगते हैं, बिना घूस के लाइसेंस नहीं बनेगा आपने? बिना घूस के डायरेक्ट ऑफिस में जाएगा तो लाइसेंस लेबे नहीं करेगा, डीटी ऑफिस में लाल को देना होगा तब भी लाइसेंस बनता है। जो लाइसेंस 150-200 में बनता था वो बन रहा है सीधे 40,000 अब लगेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए आप इसलिए ना खुश है? हर एक सीमा पर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, पुलिस हाथ दिया तो 200-400 दीजिए ना तो डंडे चला के मरेगा। अच्छा, ये तो शासन बहुत आप लोगों का ड्राइवर का यूनियन भी होगा तो आवाज नहीं आप लोग उठाते हैं इसके लिए? कहाँ यूनियन हम लोग का है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने के अपने यूनियन, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं कर रहा है कि 4 को फोर्स आवेगा, मार के ठीक कर देगा, फुट पर कोई दुकान नहीं लगा सकता है, वाला नहीं है कोई, मतलब कि कमाता खाता गरीब आदमी अभी परेशान है। हम लोग रोड और पार्क देख के नहीं ना जिएंगे सर, हम लोग को चाहिए कुछ रोजगार, कुछ गरीब आदमी कुछ काम, यहाँ तो कुछ नहीं अभी है, चलते हुए आदमी भटक रहे हैं, 200-250 में लोग खट रहा है, क्या करेगा? तो बहुत बेकार स्थिति है, क्योंकि सरकार को जनता से डरना चाहिए लेकिन जनता सरकार से डर रही है। अच्छा, मतलब इसीलिए बिहार पूरा बदलाव का मूड बना लिए क्या? जी हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? निहाद जी। हम आप बताइए, आप ही बताइए, क्या बोले हम बताइए और बताइए, नीतीश कुमार की सरकार से और क्यों ना खुश है? ये तो ना खुश है ही कि गाड़ी चलाते हैं तो डंटा खाते हैं। अच्छा, यही है दिक्कत, प्रशासन के लिए भी गाड़ी चला रहे हो तो डंटा खा रहे हैं। हाँ, इस समय भी। हाँ, अगर दूसरे अगर गाड़ी रहेगा तो उसको नहीं पीटेगा, लेकिन हम लोग अगर जरा सा कोई ट्रैफिक आ जाए तो पहले हम फिर डंटा चलाएगा, लेकिन दूसरे गाड़ी को नहीं टॉर्चर करेगा। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? कहने का ये है कि नीतीश कुमार काम तो किए पहले भी, लेकिन कुछ ऐसे काम भी किए जिससे जनता ना खुश है। क्या, जैसे कौन सा काम? पहला काम, पहले के बोले कि दारू बंद कर दिए, हर तो गली, बंद हो गया? नहीं बंद है, नहीं बंद, बिल्कुल बंद नहीं है, हर गली में हर घर में दारू पहुंच रहा है, झोला में पहुंच रहा है दारू, झोला में घर घर पहुंच रहा है। प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन पैसा लेता है जी, प्रशासन पैसा लेता है, ये सब पैसा तो नीतीश कुमार के जेब में जाता है। खुद चाय की दुकान पे पुलिस आकर के बोलता है कि लेना रहेगा तो बोलिएगा, मेरे पास बहुत है। पुलिस खुद बोल जी, खुद बोलता है चाय की दुकान पे आके। देखिए स्थिति क्या है कि पुलिस खुद बोल रही है। हम नाम नहीं खोलेंगे, मेरा ही दुकान है मगर हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। अच्छा, मुझे लगा था कि बिहार में दारू बैन हो गया तो जो महिला है वो काफी खुश है कि उनके घर वाले दारू नहीं पी रहे। महिला से जाके पूछिए, महिला से जाके पूछिए कि पहले जो महिला तो आओ खींच, पहले जो 20-25 में पी लेता था वो आज 100 रुपए लगा के पी रहा है। क्यों पी रहा है? उसको घर भी आके पहुंचाया जा रहा है दारू, क्यों पहुंचाया जा रहा है? देखने वाला देख नहीं रहा है। अच्छा, देखिए कि क्या स्थिति हो गई है बिहार की, दारू बैन है लेकिन पुलिस वाले ही, प्रशासन ही यहाँ पर, जैसे कि जनता का कहना है कि प्रशासन ही दारू सप्लाई करवा रहे हैं, प्रशासन जाके बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? नहीं चाचा, बोलो क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? तेजस्वी मारेगा। तेजस्वी यादव, आखिर क्यों? वो नौजुबुक है, अच्छा नेता है, वो वादे जो कर रहे हैं वो निभाएंगे। गरीब आदमी इतना परेशान नहीं था, बाकी अब परेशान है। क्या तेजस्वी आज अब से मतलब कि परेशान नहीं रहेगा, बाकी अब परेशान है नीतीश जी से लोग। अच्छा, गरीब आदमी खासकर नीतीश कुमार की सरकार से गरीब आदमी ज्यादातर त्रस्त आ गया, पूरा जेल भर गया शराब पीने वाला। आप यहाँ सुन रहे हैं कि पूरा जेल भर गया है, और सबसे बड़ी यहाँ पे स्थिति ये खराब है कि दारू बैन हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पर दारू बिक रहा है, वो भी 5 गुने दाम में। तो यहाँ पे और भी लोग उनसे जानते हैं कि क्या, कौन से जिले से है चाचा? पटना जिला। पटना जिला से, क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? तेजस्वी मारेगा। तेजस्वी 100% एकदम पूरा। नीतीश से गरीब मर गया, नीतीश की सरकार गई गई, गरीब को मार दिया कि। अच्छा, मोदी जी तो आके नीतीश के साथ पूरा भाषण दे रहे हैं क्या? घपला बाजी है। अच्छा, खाली गेम खेल, दिखावटी है, दिखा रहा मोदी जी, फेंक रहे हैं। हाँ, क्या चाचा क्या कह रहे हैं? ये अपना स्वार्थ के लिए करवाया, दशहरा में सब गरीब मर गया। हाँ, क्या सोच रहे, भूखे प्यास से मरने गया जी? नीतीश कुमार के कामकाज से कितना खुश है? कोई खुश नहीं है, समझ गए, कोई खुश नहीं है। एक तो दारू ओपन कर दिया एकदम,
कहा कि बंद है मगर एकदम खुलियाम बिक रहा है डेगे डेग पर, क्या कीजिएगा सरकार रह के क्या करेगा? दशहरा की बात कुछ बोल रहे थे। अरे दशहरा खत्म करवा दिया अपना स्वार्थ के लिए इलेक्शन करवा के। कोरोना नहीं है इलेक्शन इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है अब हम लोग के लिए कोरोना। 10 दिन पहले कोरोना वायरस था, एक पटना में व्यक्ति को निकलना नहीं है, निकलेगा तो उसको चूतर सेकेगा। अभी कोरोना कहाँ गया? सरकार के घर में चला गया। अभी कोरोना नहीं है, वोट देना हमको ठप्पा मार के हमको जीता दो, सीट पे बैठा दो और कोरोना खत्म। अब फिर जब इलेक्शन खत्म हो गया तो कोरोना आ गया, भागो भागो घर में पैक रहो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रैली में इतना भीड़ हो रहा है वहाँ पे कोरोना नहीं है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही चाहिए। जैसा कि आपने सुना तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्या बोल रहे हैं आप? इलेक्शन खत्म हो गया तो फिर से कोरोना चालू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव युवाओं की बात सुन रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। कौन से जिला? पटना जिला। अच्छा पटना जिला से, क्या लगता है कौन मारेगा बाजी? मारेगा वो तो पब्लिक जो एथिक कहेगा। अरे हम तो अपना हम लोग एथी है, काम किया है काम। आप लोग बोल दीजिए कौन मारेगा बाजी? तेजस्वी यादव। तो यहाँ पे तो तेजस्वी यादव का पूरा बोलबाला है। खैर जो हो कैसा यहाँ का हो, मतलब बिहार की उन्नति होनी चाहिए। जैसे बिहार की उन्नति होनी चाहिए और जो भी किसान संबंधित एथी है वो सब उत्साहित करने के लिए वो कर रहे हैं। कल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तेजस्वी यादव ने कि किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे वो। अरे बोलने वाले तो सब बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, खूब बोलते सब बोलते हैं, काम करे तो ना, तो मौका देना चाहिए। अभी अभी तो तत्काल में अभी वो दे रहे हैं, कर रहे हैं, आ रहा है, साल में 6,000 रुपया हमेशा आ रहा है, अनाउंस करते हैं 2 दिन में आ जाता है आपके अकाउंट में। आ जाता है। कितनी बार हुआ कोरोना काल में? कोरोना काल में 2 बार आया। कह रहे हैं कि साल में 6,000 दे रहे हैं और एक DAP खाद जो है वो 2500 रुपये बोरिया देता है। झूठ बोला जा रहा है। 6,000 में 1 बीघा खेती हो जाए? झूठ बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? 1400-1400 खाद मिल रहा है। अरे अभी चलिए दिखलाते हैं, ब्लैक से 2500 रुपये बोरा बिक रहा है। बताइए दारू बिक रहा है बिहार में? दारू तो चोर, देखिए चोरी कभी बंद नहीं हुआ है, गांजा बहुत जिंदगी से बंद है फिर भी गांजा मिल रहा है, इससे सरकार से नहीं है, बहुत पहले से है। नीतीश कुमार और NDA की सरकार में दारू बैन हुआ है तो इसका तो पालन होना चाहिए, लेकिन सरकार पालन हो रहा है कहाँ पर दारू मिल रहा है? ये सभी लोग बोल रहे हैं बिक रहा है। अरे पीने हम कहते जो जो कह रहे पीने वाले औरों से पीछे तो जरा ठीक है, हम समझ गए आप नीतीश कुमार की सरकार से खुश हैं। आखिर क्यों खुश है, कुछ वजह बताएं। ये चलने के बेनिफिट आ रहा है, क्या काम हुआ हो रहा है? बस 6,000 महीने से काम चल, बच्चों को पढ़ाना लिखाना 6,000 कैसे दे रहा है? आज 12 पास होने के बाद जो लड़का होता बेटी होती उसको बाहर जाना पड़ता पढ़ने, वहाँ पे बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, पैसा दे रहा क्या दे रहा है? स्कूल स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया, कोरोना काल में पता है सबसे ज्यादा डॉक्टर बिहार में मरे हैं। डॉक्टर नहीं मरे हैं वो आदमी, सच्चाई आदमी नहीं मरे है, मरे है वो आदमी जो कि आओ दूसरे बीमारी से ग्रसित है। अच्छा बिहार में बाढ़ आया था, खाली नहीं मरा, बिहार में बाढ़ आया था, बिहार में बाढ़ आया था ना, तो क्या हुआ है सरकार के तरफ से, क्या मदद पहुंचा सरकार भर से? बाढ़ राहत मिला, बहु बाढ़ राहत, हाँ बाढ़ राहत मिला। किसको मिला बाढ़ राहत? सबको मिला। कितना? गरीब से लेकर के अमीर तक मिला, सबको मिला। और रात में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये तो जनता बोल रही है कुछ नहीं बोला। क्या मिला उसमें? जो मिला सो तो कर रहा ना। आप मोदी के साथ है कि नीतीश कुमार के साथ? मोदी के साथ है कि नीतीश कुमार के? अब हम लोग जो काम जो कर रहा है उसके पास आप चुनना होगा, किसको चुनेंगे? जो काम कर रहे हैं उनके साथ है। काम कौन कर रहा है जो बताइएगा ना, काम का नाम बताइए, काम का नाम बताइए कि हाँ मोदी किया कि नीतीश किया। 15 लाख रुपए आपके खाते में आया? आया आया। हाँ ये पहले इंसान है, ये पहले इंसान है जिनके 15 लाख रुपए आएगा? 15 लाख नहीं, साल में 15-20 हजार आ जाता है। साल में 15 हो सकता है आप मोदी से डायरेक्ट कांटेक्ट हो आपका, लेकिन और किसी का तो नहीं आता। साल में 15-20 हजार आ जाता है, ये भी बिहार के हैं, सभी लोग बिहार देख करके भी नहीं कहते हैं, ब्लॉक में जाते हैं धोक के जाते हैं, अब निकल पैसा खाता पर आता है। ये बताइए यहाँ लोग ड्राइवर लोग इन्होंने बताया कि जब सिग्नल वगैरह गलती से टूट जाता है आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, पुलिस प्रशासन मतलब लाठियों से मारती भी है और अनाप शनाप बोलती भी है, तो इस पर इनके साथ है कि आप इनके खिलाफ हैं? देखिए जो आदमी काम कर बताने के लिए रहेगा वो तो बोलवे करेंगे, यहाँ से वो प्रशासन है खड़ा है काहे लगे,
रोकने के लिए। अब दारू पी के डोलते जाइएगा तो नहीं मारेगा। 40-50 हजार रुपया किस चीज के लिए ले रही है? दारू नहीं मिल रहा है, इधर लाइए, आप आइए इधर, भाग रहे हैं। आप तो बोलेंगे दारू नहीं मिल रहा है, दारू पी के रोड पे कैसे घूम रहा है? दारू खुशी तो चलिए दीवा दीजिए, यहाँ पर घूम रहा है, मंगवा देगा। नहीं बाजार में चलिए, दारू दीवा दे जाइए, ब्लैक में तो मिल रहा है ना? ब्लैक चोरी कहीं बंद हुआ है? आप कहते चुका है नहीं चोरी, प्रशासन के साथ अगर चोरी सरकार करे तो आप क्या, हम चोरी करेंगे तो रोक दीजिएगा? कौन करवा रहा है? बिहार में वीवी फेट जो सरकार को मिलना चाहिए, वीवी फेट। चलिए नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया? नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया बताइए? बिजली आधा माफ है, 15 साल से बिजली आधा माफ है, आधा देते हैं बिल, ऐसा यूनिट बिजली दे रहा सरकार, 7 रुपए लेता है तो 3.5 रुपए देते हैं। क्या चीज का बिल आधा हुआ? क्या चीज का बिल आधा हुआ है बताइए ना? क्या चीज का बिल? क्या चीज का बिल? बिजली बिल। हम लोग के बिजली बिल अभी 1 महीना के 2 रूम के आ रहा है 1000 रुपया, 2 रूम 2 गो पंखा 2 गो बॉल 1000। आप कम आ रहा है, माफ कितना है? आप देख, इसका मतलब कि आप दलाल हैं, कमीशन खाते हैं? खाली नीतीश कुमार इनके घर का किए हुए कोई नहीं। हम यदि उसका स्लिप दिखा देंगे तो क्या बिल भर देते हैं? कुछ पैसा यूनिट है, हाँ उसमें 3.5 रुपया माफ है, सब्सिडी नहीं है, टाउन में कोई सब्सिडी माफ नहीं है, हम लोग का माफ है, पता होना चाहिए, हम लोग माफ है। बिजली मान लीजिए कम, टाउन में सब्सिडी माफ नहीं, बिजली का बिल कम आ गया तो बिहार की सारी समस्या खत्म हो गई। कोई चीज सारी समस्या खत्म हो जाएगा? कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ठीक है, नीतीश बाबू बिहार में सरकार इनका 15 साल से है, ठीक है, 15 साल पहले बिहार में सरकार लालू यादव के था। गरीब को किसने देखा? गरीब को घरे घरे जाके मकान पानी बिजली किसने पूछा? लालू जी ने पूछा। नीतीश कुमार कभी एक अभी काम ऐसा किए हैं? गरीब आदमी कभी ऐलान किए हैं? आपको जेल में जो भी ऐलान हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी किए हैं, जो प्रधानमंत्री थे, उसका हम लोग आह्वान कर रहे हैं, लोग आह्वान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी नया कोई ऐसा चीज नहीं किए हैं कि उस पर आदमी तैयार रहे। जल क्यों नहीं दिया? हर गांव में पानी है कि नहीं? हर गांव में पानी है, घर घर नल दिए हुए हैं हर गांव में। हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी ने एक घाट पर बाघ बकरियों को कह दिए कि एक घाट पर सब लोग पानी पियो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अच्छा, मतलब बिल्कुल भेदभाव खत्म कर दिए हैं? लेकिन जेल में डालेंगे जरूर, दारू पीने वाले को जेल में डालेंगे, खत्म कर दिए। लेकिन 12 बजे रात में 10 बजे रात में पटना से पुनपुन नहीं जा सकते हैं, मारे तो सब मारेगा, छीन लेगा, वही भेदभाव खत्म कर दिए। क्या लगता है कौन मारेगा बाजी इस बार इलेक्शन में? इसमें बाजी मारेगा नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? आप काम से खुश हैं नीतीश कुमार के? खुश रहे या ना रहे, जी रहे हैं। अच्छा, जी रहे हैं। क्या मतलब नीतीश कुमार के 15 साल में क्या किया सरकार ने? वो खाली देख रहा है, पुल है, यह है, दुनिया है, जहाँ है, सब तो बनाइए रहा है, पुल से ही सब कुछ हो जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या किया? ठीक है, हम लोग थाली लेके पुल पे खाना खाने जाएंगे। हाँ, कहाँ कहाँ खाए, कैसे खाए? सब कुछ में खा गया, शिक्षा में खा गया, हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। ये बताइए इस बार किसकी लहर दिख रही है? इस बार तो हमें लालू के रहेगा। लालू देख रहे हैं यहाँ पे जनता एकदम। और कुछ बताइए? अब भूखे हुए हैं, अभी बिजनेस नहीं खाए हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो मौजूद है 99% ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लाहौर देखकर यही लगता है कि उनकी सरकार बनेगी। कैमरामैन सदाम के साथ पारितोष मल, पटना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना।